नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। इस कहानी का एक भाग कल कर चुके हैं, आज उसके आगे की कहानी को देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कल हमने जो किया था उसमें हमने जाना कि जो भाई साहब हैं वो रावण का उदाहरण देकर समझाते हैं कि रावण ने अभिमान किया था, वो गर्क में मिल गया, मिट्टी में मिल गया। उसी प्रकार जो लेखक हैं उसको समझा रहे हैं कि अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, बल्कि उसके बारे में जब अच्छे से हम तथ्य को जान जाते हैं तभी वो हमारे लिए सार्थक है। आगे वो क्या कहते हैं, शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। यहाँ पर शैतान के बारे में कह रहे हैं कि शैतान का हाल भी तुमने पढ़ा ही होगा, जिसका उसे भी अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में क्या हुआ, स्वर्ग से नरक में उसको ढकेल दिया गया, यानी शैतान को भी अहंकार हो गया था अपनी भक्ति पर, तो उसे भी क्या मिला, नरक मिला। शाही रूम ने भी एक बार अहंकार किया था। शाही रूम कौन है, रोम के राजा थे जो बहुत ज़्यादा अहंकारी हो गए थे, और इसी के कारण ऐसा समय भी आ गया कि वो भीख मांग मांग कर मर गया। यानी शाही रूम के अहंकार के कारण ही रोम का पतन हुआ और वो भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है, दर्जे का मतलब कक्षा, कि अभी तो तुमने एक ही कक्षा पास की है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, अभी से तुम इतने अभिमानी हो गए। अब तो तुम आगे पढ़ चुके कि इतना अभिमान अगर तुम में आ गया तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे पढ़ भी नहीं पाओगे। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। जैसे कि मैंने कहा था, मुहावरों का प्रयोग किया है, अंधे के हाथ बटेर लगना यानी बिना प्रयास के ही सफलता मिल जाना। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं, कि बिना कोशिश किए पास तुम एक बार हो गए, हर बार ऐसा हो ऐसा संभव नहीं है। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता, यानी ऐसा निशाना जो वो उसे उम्मीद नहीं थी पर अचानक से लग जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक अच्छा खिलाड़ी है। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशान खाली ना जाए, यानी प्रत्येक बार उसका बार सही जगह पर लगे। मेरे फेल होने पर न जाओ, मेरे दर्जे में आओगे, यानी मेरी जिस कक्षा में मैं अब हूँ, कौन सी कक्षा में थे, 9वीं कक्षा में, तो दांतों पसीना आ जाएगा। अब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, अर्थात जो मैथ है, गणित है, उसके बारे में कह रहे हैं कि जो तुम अब पढ़ रहे हो उसका स्वरूप बदल जाएगा। अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे चबाने पड़ेंगे, अर्थात इतने मुश्किल तुम्हें गणित को पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश तान का इतिहास पढ़ना होगा, इंग्लिश तान यानी पाश्चात्य जो अंग्रेज़ हैं उनका इतिहास पढ़ना होगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है, जो हमारे इतिहास में बादशाहों की चर्चा होती है या उनका जो इतिहास रहा है उनके नाम याद करने पड़ेंगे। 8-8 हेनरी हो गुजरे हैं, हेनरी जो शासक हुआ था, कोई एक नहीं है, 8 हेनरी हैं, उन सब के अलग अलग नाम और काम याद रखना। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो, प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नात्मक शैली है। हेनरी जो बादशाह हुए हैं या राजा हुए हैं उनके बारे में, हेनरी शासक थे और उसके बारे में कि 8 हेनरी थे, हेनरी प्रथम द्वितीय इस तरह से, तो क्या उनको तुम याद करना आसान समझते हो। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफाचट की एक छोटी सी गलती तुम्हारे पेपर के नंबरों को सफाचट कर सकती है। सिफर भी नहीं मिलेगा, सिफर भी, तुम्हें 0 भी नहीं मिलेगा। हो किस ख्याल में कि तुम किस ख्याल में, किस कल्पना में डूबे हुए हो। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स, सबके नाम बता रहे हैं कि इतने सारे लोग हैं जिनके बारे में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी नहीं जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चारम पंचम लगाते चले गए, जैसे हेनरी प्रथम, हेनरी द्वितीय, हेनरी तृतीय, हेनरी चतुर्थ, यानी और नाम भी नहीं मिले। नाम न जुड़ने का मतलब है नए नाम भी नहीं मिले, एक ही नाम के पीछे दूसरा 7वां 4था 5वां ये सब लगाते रहे। मुझसे पूछते
तो 10 लाख नाम बता देता। बड़े भाई अपने छोटे भाई को कह रहे हैं कि सब एक ही नाम के पीछे पड़े रहे, अगर वो मुझसे पूछते तो मैं उनको कम से कम अलग अलग नाम तो बता देता। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो उनके मन में भाव है उस भाव की अभिव्यक्ति कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जब तुम मेरी कक्षा में आओगे तो पढ़ना कितना मुश्किल हो जाएगा। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, भगवान की शरण है, खुदा की पनाह यानी ईश्वर की शरण में जाने के समान है। अब जय की जगह ए जय वह लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर ए बै जय और ए जय बै में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाएं या भात दाल रोटी, इसमें क्या रखा है। बात तो एक ही है, दाल भात रोटी और भात दाल रोटी खाएं, क्या फ़र्क है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा छोड़ रख छोड़ा है। देखिए यहाँ पर जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उस पर व्यंग किया गया है, उसका चित्रण किया गया है कि केवल रट्टे मारना यही शिक्षा रह गई है, और आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फ़ायदा। इन सारे रेखा पर एक लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इनसे प्रयोजन कि ये लंब गिराने का प्रयोजन क्या है, दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, चाहे कुछ भी हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद रखनी होगी कि कहाँ लंब गिरेगा, कहाँ आधार लंबा होगा, कहाँ दुगना होगा, ये सारी बातें याद रखना ज़रूरी है, तभी परीक्षा में पास हो पाओगे। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम न हो। अब आप कापी सामने खोलो, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें, जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की क्या ज़रूरत है। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ, यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। यानी एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा 4 पन्ने का निबंध लिखना कितनी व्यर्थ की बात है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया, बेकार में ही किसी बात को बढ़ाते चले जाओ। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, यानी अपना रास्ता पकड़े। मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के, यानी बड़े पन्ने। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, इतना लिखने के बाद भी उसे क्या कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो, यानी कम से कम लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते कि अगर संक्षेप में ही 4 पन्ने लिखवा रहे हो तो अगर पूरा लिखने को कहते, विस्तार से लिखने को कहते तो 200 पन्ने हो जाते। तेज भी दौड़िए और धीरे भी, है उल्टी बात है या नहीं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं। उस पर दावा है कि अम्मा अध्यापक है, यहाँ पर अध्यापन कार्य पर उंगली उठा रहे हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला, लाला कौन, किसको कह रहे हैं, अपने छोटे भाई को, तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा, तब तुम्हें जीवन की वास्तविकता का पता चलेगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते हो, अर्थात हवा में रहते हो सारा दिन, इसीलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ, संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है, जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए नहीं पछताएगा, यानी उसकी गांठ बांध लो नहीं तो पछताना पड़ेगा। इसमें इस यहाँ पर किस बात पर बल दिया गया है कि केवल किताबी पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, जीवन की वास्तविकता या जीवन के अनुभव ही हमें उचित शिक्षा देते हैं। स्कूल का समय निकटता नहीं, ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होगी।
भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था, यानी भोजन करने में भी कोई आनंद नहीं आ रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है, तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं कि एक तो मैं पास भी हो गया, ऊपर से मेरा ही तिरस्कार हो रहा है, डांट पड़ रही है, बेइज्जती हो रही है। अगर मैं फेल हो जाता तो शायद मेरी प्राण ही ले लिए जाते। ये कौन सोच रहा है? लेखक। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया, यानी डरा दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े, यानी कक्षा में मुझे किसी प्रकार की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। चोरों का कैसे? कि भाई साहब से बच बच कर खेलने जाना, पढ़ाई कम करना, भाई साहब से छुप कर अपने जो दोस्तों से मिलना या बाहर जाकर खेलना उछलना, वो सब फिर से शुरू हो गया, यानी चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत न की, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आया। इस बार भी कक्षा में अव्वल आए, मुझे खुद हैरानी हुई, अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, यानी अपने जी जान लगाकर मेहनत करी थी भाई साहब ने। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे, 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए कि उनके चेहरे की सारी रौनक चली गई थी पढ़ने पढ़ाने में, लेकिन फिर भी फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले? विधि यानी विधाता, किस्मत में जो लिखा है उसको कौन बदल सकता है? अब भाई साहब के बीच में केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया था, क्योंकि अब भाई साहब 9वीं कक्षा में थे और जो लेखक है उन्होंने एक दर्जा एक कक्षा और पास कर ली थी। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई, यानी भावना जागी क्या कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे, मेरी बेइज्जती करेंगे, मुझे किस आधार पर डांटेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं, मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनादन पास होता जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। उन्हें लगा कि एक बार तो मन में विचार आया कि कहीं भाई साहब इस बार फेल हो गए तो मेरे साथ ही आ जाएंगे कक्षा में, लेकिन फिर इस विचार को त्याग दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि बड़े भाई का डांटना शायद मेरे लिए अच्छा है, तभी मैं पढ़ पा रहा हूँ और तभी मैं अगली कक्षा में पहुँच रहा हूँ। अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए। मुझे कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया, यानी डांट नहीं लगाई। शायद अब वे खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ती गई, मैं और ज़्यादा आज़ाद हो गया। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। वो जितने उदार हृदय हो गए थे, मैं उतना ही ज़्यादा उनका लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा। मेरे मन में ये विचार बैठ गया कि पक्की बात है, मैं तो पास हो ही जाना है, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसीलिए बड़े भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी अब बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया, कनकौवे यानी पतंग, और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब आदर करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाने जाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। लेकिन अब लेखक का मन किस में लग रहा है? पतंग उड़ाने में, और वो भाई साहब से बचकर अभी भी उस कार्य में उतना ही व्यस्त है।
एक दिन संध्या के समय यानी सांझ के समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर। आकाशगामी यानी आकाश में गमन करने वाला। पथिक कौन है? पतंग, राही, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। आजाद हो गया था क्योंकि उसकी डोर टूट गई थी। ऐसे लगता था मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। यानी इस प्रकार स्वतंत्र रूप से वो लहरा रहा था। बालकों की एक पूरी सेना लगो और झाड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किस लिए? उसको पकड़ने के लिए। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी क्योंकि सब ऊपर देखकर भाग रहे थे दनादन। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम और न गाड़ियां। किसी को भी जमीन पर चलने वाले इन वाहनों की कोई परवाह नहीं थी। सब पतंग के साथ जैसे उड़े जा रहे थे। सहसा भाई साहब ने से मेरी मुठभेड़ हो गई। यानी सामने कौन मिल गए? भाई साहब मिल गए, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लोंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? लोंडों यानी लड़कों के साथ धेले के यानी बहुत कम कीमत के कनकौवा यानी पतंग के लिए तुम दौड़ रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ भी लिहाज नहीं? अब नीची जमात में भी जमात में नहीं हो, नीची जमात यानी अब छोटी कक्षा में नहीं हो बल्कि आठवीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो, एक कक्षा पीछे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए कि अब तुम बड़े हो गए हो, आठवीं कक्षा में हो गए हो, अब तुम कोई गली में भागने वाले थोड़ी हो। एक जमाना था कि लोग आठवां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे यानी उच्च पद प्राप्त कर लेते थे। मैं कितनी ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मैजिस्ट्रेट और सुप्रिंटेंडेंट है। कितने ही आठवीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं यानी उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं और तुम उसी आठवीं दर्जे में आकर बाजारी लोंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। वो उसको एहसास कराते हैं कि तुम बहुत ऊंची क्लास में हो गए और तुम्हें ये काम अब नहीं करना चाहिए। मुझे तुम्हारी इसी कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्म गौरव की हत्या कर डाले। तो वो कहते हैं कि तुम्हें ये काम अब नहीं करना चाहिए, अपने आत्म सम्मान का विचार तुम्हें करना चाहिए। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओगे। देखिए यहाँ भी बड़े भाई साहब परीक्षकों को ही दोष दे रहे हैं पास ना होने के लिए और कहते हैं कि अगर उनका यही हाल रहा, मेरे पेपर इसी तरह से चेक हुए तो मेरे साथ ही मेरे समकक्ष ही तुम आ जाओगे, मेरे साथ ही क्लास में आ जाओगे, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया और ज़िंदगी का तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम MA, DPhil, DLit यानी अलग अलग बड़ी बड़ी उपाधियाँ डिग्री क्यों न ले जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। यानी किताबी ज्ञान से अनुभव का ज्ञान ऊपर होता है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं 6वीं जमात से आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विधा पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। यानी केवल दुनिया की विद्या पढ़ने से ही ज्ञान नहीं आता, जो अम्मा और दादा ने अपने तजुर्बे से ज्ञान लिया है उसका मुकाबला हम कभी नहीं कर सकते और कम पढ़ा लिखा होने के बाद भी उन्हें यह अधिकार है कि वो हमें समझा सकते हैं। केवल इसीलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा रहेगा और ये तजुर्बा जो है यही क्या है, उम्र के साथ साथ
व्यक्ति को प्राप्त होता है और उसी पर बल दे रहे हैं बड़े भाई साहब। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और आठवें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें न मालूम हो लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। यानी वो किताबी ज्ञान में हो सकता है कमतर हमसे, लेकिन व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान में वो हमसे कमतर नहीं है। देव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं और तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएं। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह पर दादा हो तो किसी को तार न दे, न घबराएं, न बदहवास हो। पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं, नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के, 1,000 रुपये पाते हैं लेकिन उनके घर इंतजाम कौन करता है, उनकी बूढ़ी माँ। यहाँ पर उदाहरण देकर बताते हैं, पहले अपने दादा का उदाहरण देते हैं और उसके बाद हेडमास्टर की माँ का उदाहरण देते हैं कि अनुभव से व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है और उनके अनुभव का हम कभी मुकाबला नहीं कर सकते। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ आकर बेकार हो गई, पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान ये गरूर दिल से निकाल डालो और तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो कि तुम मेरी कक्षा के नज़दीक आ गए हो तो तुम आज़ाद हो, इस भाव को तुम अपने मन से निकाल दो। मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे कि मैं जब तक तुम्हें देख रहा हूँ तब तक तुम्हें मैं गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है, यानी मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही। मैं उनकी नई युक्ति से नतमस्तक हो गया, उनके सामने झुक गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और बड़े भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मैंने आज समझ लिया कि मैं कितना छोटा हूँ। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार भी है। ये किसने स्वीकार कर लिया? लेखक ने स्वीकार कर लिया। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। यहाँ पर बड़े भाई साहब अपने मनोभाव की अभिव्यक्ति करते हैं कि मेरा भी मन चाहता है मैं भी कनकौवे उड़ाऊं, पतंग उड़ाऊं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं बेराह चलूँगा, गलत रास्ते पर जाऊँगा, मौज मस्ती के रास्ते पर जाऊँगा तो मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूँगा, तुम्हें सही रास्ते पर कैसे लेकर जाऊँगा। इसी कर्तव्य के कारण मैं इस बचपन को नहीं जी पा रहा हूँ या इस बचपन के जो बालमन की जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। संयोग से यानी उसी वक्त क्या हुआ, एक कटा हुआ कनकौवा पतंग हमारे ऊपर से गुजरा, उसकी डोर लटक रही थी, लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था, यानी एक झुंड उस पतंग के पीछे दौड़ा आ रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही, वो क्योंकि लेखक से लंबे हैं, उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े, मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। लेकिन आज भाई साहब के मन का जो बच्चा था वो बाहर निकल आया और उनका जो बाल मन है वो भी आनंद अनुभव करने लगा उस कनकौवे को, उस पतंग को पकड़कर, और दोनों भाई हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े। तो इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। बाल मन का और एक कर्तव्यनिष्ठ बड़े भाई का चित्रण इस कहानी में बड़े सुंदर तरीके से किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।